विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के छात्र सभा महानगर अध्यक्ष विमल ठकुरेला और जिला समस्त छात्र सभा तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विश्वविद्यालय एवं समस्त शिक्षण संस्थानों के द्वारा सभी छात्र छात्राओं की फीस माफ की जाए, फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, छात्रों को पास कर उनका रिजल्ट बनाया जाए। जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय अगर इन मांगों को नहीं मानता तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने वालों में अविनाश पचौरी, हिमांशु यादव, अजय यादव, अमित यादव, राजन नायक, अमन वर्मा, सोनू, संदीप कुमार, प्रियांशु सेन आदि उपस्थित रहे। आप लोगों ने जो कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया है, आप लोगों ने उसमें क्या मांग रखी है? आज हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी द्वारा छात्रसभा द्वारा कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मांगे तीन मांगे थी। पहली मांग ये थी कि जो लॉकडाउन की अवधि में छात्र छात्राओं की क्लास नहीं लगी तो उनकी फीस माफ़ की जाए, हर प्रकार की फीस माफ़ की जाए, क्योंकि उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं लिया। दूसरी मांग थी जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो हॉस्टल में नहीं रहे तो उनकी भी फीस माफ़ की जाए, हॉस्टलों की फीस माफ़ की जाए, उनके रूम की फीस माफ़ की जाए। और तीसरी मांग थी कि जैसे अभी यूनिवर्सिटी द्वारा कुलपति महोदय द्वारा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने की नीति जारी की गई है, उसमें हमारी मांग थी कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है उनको न करा के उनकी डायरेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए, रिजल्ट बनाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, जिससे कि छात्र छात्राएँ एवं शिक्षक सभी अपने जीवन से स्वस्थ रहें। अगर किसी को कोरोना हो गया या किसी शिक्षक को हो गया या किसी छात्रा को हो गया तो उसकी जिम्मेदार जीवन का जिम्मेदार कौन है हुआ? अगर विश्वविद्यालय आपकी मांगों को नहीं मानता है तो आगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी क्या करने का दावा करती है? विश्वविद्यालय हमारी मांगों को नहीं मानता तो हम सड़कों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी।